सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सारे? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कल के डेट में रिलीज हुई एक ड्रामा जिसका नाम है यू आर माई ग्लोरी, जो कि एक पाकिस्तानी ओटीटी ऐप पर रिलीज करा गया जिसका नाम है टैप मैट। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी ड्रामा के बारे में बात करने वाले। ड्रामा कैसा है, क्या सारी चीजें आपको इस ड्रामा के अंदर देखने मिलती है और आपको ये ड्रामा देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ड्रामा जो है कॉमेडी रोमांस लाइफ पे बेस्ड है, जिसको पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 32 एपिसोड देखने पड़ते हैं, जिसकी रनिंग टाइम 35 मिनट के अराउंड में रिप्रेजेंट करी गई है। अब अगर ड्रामे के अंदर कहानी की बात करी जाए तो इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी देखने मिलता है जियाओजिन और यूतो की। ये दोनों हाई स्कूल में होते हैं, तो उस समय जो जियाओजिन है वो यूतो को प्रपोज करती है, लेकिन सम ऑफ द रीजन जो यूतो है इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि जियाओजिन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। अब ऐसा क्या होता है ये तो आप ड्रामा देखोगे तो पता चलेगा। फिर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, समय बीतती है, फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो अपनी जो जियाओजिन है वो अब एक एक्ट्रेस बन चुकी है, और वहीं पे जो अपना यूतो है वो एक एरोस्पेस इंजीनियर बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि जो जियाओजिन है उसको एक गेमिंग कंपनी के लिए एक गेमिंग शो में गेम खेलना होता है, लेकिन इसको अच्छे से गेम खेलने नहीं आती, तो फिर वो एक गेमर को हायर करते, यानी कि एक ट्यूटर हायर करता है कि जियाओजी को अच्छे से गेम सिखा सके। अब जो अपना ट्यूटर होता है वो होता है अपना हीरो यानी कि यूतो। अब इसी बहाने ये दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और इस बार इन दोनों को ही प्यार हो जाता है। तो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर ये देखना है कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बंदा और यहाँ पे एक एक्ट्रेस, अब इन दोनों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, किस तरह से ये दोनों सब चीजों को हैंडल करते हैं, यही सारी चीजें आपको इस ड्रामे में देखना पड़ता है। अब अगर हम इस ड्रामे की डबिंग की बात करें तो जो ड्रामे की डबिंग है भाई से मतलब पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं कह सकते और खराब भी नहीं कह सकते, यानी कि ड्रामा की जो डबिंग है वो ओके टाइप है, आप देख सकते हो। और ड्रामे की कहानी की बात करी जाए तो ड्रामे की जो कहानी है भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है, और जिसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट भी करा गया है, जो कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक हुक करके ड्रामे में रखता है। और सबसे बेहतरीन मतलब कि इस ड्रामे में इन दोनों की जो केमिस्ट्री है भाई साहब, जो परफॉर्मेंस है, ये चीजें आपको मतलब इस ड्रामे को देखने पे मजबूर करती है। और ड्रामे के जो एपिसोड्स है मतलब आप थोड़ा देखोगे, यानी कि एक एपिसोड देख ले तो दूसरी एपिसोड देखने का आपके दिल में मतलब जिज्ञासा होती है, और इस तरह से आप टोटल 32 एपिसोड कैसे देख जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। और इसके अलावा जो अपने हीरो की जर्नी है और उसके साथ जो भी चीजें होता है देखोगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि ये चीजें आपके लाइफ से रिलेट करें, मतलब ऐसा लगेगा कि कभी ना कभी इन सब चीजों से आप भी गुजरे हो। तो ड्रामा आपको लाइफ से रिलेटेड बहुत सी चीजें सिखाती है। तो देखो जो ड्रामा है मतलब पूरी तरीके से रोमांटिक है, जो कि आपको रोमांस के साथ साथ अच्छा खासा इमोशंस भी प्रदान करता है। और जिन लोगों को इस टाइप के ड्रामे देखना पसंद है, यानी कि जिसको रोमांस ही रोमांस चाहिए, उनके लिए तो ये ड्रामा मतलब क्या है कि मतलब वो खुश हो जाएंगे इसको देख। अगर आपको इस तरह के ड्रामे देखना पसंद है जिसमें अच्छा खासा रोमांस हो, इमोशन हो, लाइफ से रिलेटेड स्टोरी देखने मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम को देखना चाहिए। बाकी अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है ड्रामा कमेंट करके बता सकते हो, नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो। मैं मिलता हूँ इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।